गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज डू दैट राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो एज यू रीड फ्रॉम द टाइटल इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू स्वॉचेस एंड रिव्यू ऑफ डेव ब्यूटी लिक्विड लिपस्टिक्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो मैंने डेव ब्यूटी पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उनके एक लिपस्टिक का पैक शेयर किया था, उसके बारे में बताया था आपको। वही ब्रांड है बट लिपस्टिक्स चेंज है। ये है डेव ब्यूटी नॉन ट्रांसफर मैटे मी लिक्विड लिपस्टिक्स। ये इसकी पैकेजिंग है गाइस, लुक एट दिस। मुझे लास्ट वाली से ज्यादा इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी है बिकॉज ये ऐसे ओपन हो जाती है। सी गाइस, ओ लुक एट दिस। इसके बारे में आपको बताऊंगी मैं वीडियो के एंड में। सबसे पहले मैं इसके स्वॉचेस आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, इजी हो जाएगा। सो फर्स्टली जो मैंने अभी लिप शेड लगाया हुआ है वो यही लगाया हुआ है बिकॉज मैंने कुछ टाइम टेस्ट भी करी थी लिपस्टिक्स, तो मैंने अभी यही शेड लगाया हुआ है। लास्ट जो मैंने लिपस्टिक्स आपके साथ शेयर की थी उससे ज्यादा मुझे इसकी पैकेजिंग बॉटल्स की भी अच्छी लगी, मतलब जो ये है ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी इस बार वाली। सो मैंने ये शेड लगाया हुआ है। मैं आपको इसका स्वॉच लिप्स पे तो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको हैंड पे स्वॉच दिखा देती हूँ इसका। नाउ नेक्स्ट, लेट्स कम टू नेक्स्ट शेड गाइस। ये है नेक्स्ट कलर। ये कैमरे पे थोड़ा रेड कैच कर रहा है बट ये सॉर्ट ऑफ डार्क मेहरून सा थोड़ा शेड है। मैं इसको आपको हैंड पे स्वॉच करके दिखा देती हूँ। एंड ये लिपस्टिक थोड़ा लिक्विड लिपस्टिक रिमूव करना मुश्किल होता है, सो अगर मैं सारी आपको स्वॉच करके दिखाऊंगी तो मेरे लिप्स सूज जाएंगे इरेज, मतलब रब कर करके। सो मैं आपको हैंड पे स्वॉच करके दिखा दूंगी गाइस, तो वो ज्यादा बेटर होगा। ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये कलर है, ये देखो कितना चेंज सा लग रहा है, बट मैं दिखा देती हूँ इस पे। नेक्स्ट वन मोर, ब्लड रेड कलर। अब ये देखो मेहरून कैच कर रहा है, मेहरून, दिस इज लाइक अ न्यूड शेड, देन मेहरून एंड देन रेड, देन अ क्लासिक डार्क ब्राउन शेड। काफी ज्यादा शेड्स हैं, हर टाइप के शेड्स अवेलेबल हैं इसमें, रेड्स, पिंक्स, न्यूड्स, सारे शेड्स अवेलेबल हैं, विच इज अ गुड पॉइंट। आपको एक ही पैक में सारे शेड मिल जाएंगे। ये पिंक शेड्स है, थोड़ा मेजेंटा टाइप शेड है ये। नेक्स्ट शेड, आई थिंक दिस इज द सिक्स्थ शेड, यहाँ दिखा देती हूँ लगा के। जो लास्ट मैंने लिपस्टिक्स करी थी उससे ये वाली लगाने ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा सॉफ्ट है, लिप्स पे बहुत ही ज्यादा ना मतलब लगता नहीं लिपस्टिक लगाई हुई है, वो थोड़ी फिर भी लगती थी बट ये उससे ज्यादा स्मूथ है। सेवेंथ शेड, बहुत ही प्यारा सा शेड है, थोड़ा रेडिश लग रहा है बट ये पिंक शेड है, डार्क पिंक शेड। वन मोर पिंक, ये प्रॉपर पिंक कैच कर रहा है बिकॉज ये थोड़ा सा लाइट पिंक है। एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है गाइस, काफी अच्छा एप्लीकेटर है। ये प्रॉपर पिंक शेड, शेड्स आई टोल्ड यू सारे बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड लिक्विड लिपस्टिक वैसे ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। सो बाकी मैं आपको इसके बारे में स्वॉचेस के बाद बताऊंगी। सॉर्ट ऑफ अ फाल्सा शेड, मतलब थोड़ा डार्क पर्पल सा शेड होता है ना वैसा शेड लग रहा है ये। ये देखो गाइस, थोड़ा सा है ना ये पर्पलिश शेड है, देखो। सॉरी फॉर दिस, छोटी छोटी हेयर ग्रोथ हो चुकी है। लेट्स कम टू आवर 10th शेड विच इज अगेन अ पिंक शेड। कलर जैसे पिंक शेड थोड़े मिलते जुलते जरूर हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, कोई ज्यादा डार्क है कोई लाइट है, तो मतलब पिंक फैमिली है बट आइडेंटिकल नहीं है। सी,
अब ये देखो इसमें ही कितना फर्क है, ये लगा के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है। बट है ये पिंक शेड ही, बट या सेम नहीं है। ये देखो कम टू आर 11th एंड सेकेंड लास्ट लिपस्टिक विच इज दिस वन। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेहरून शेड, रेड एंड मेहरून का मिक्सचर टाइप का शेड है ये। एंड द लास्ट शेड इज द डार्क ब्राउन शेड। लुक एट दिस, सॉरी फॉर द वॉइस, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन होती ही रहती है। ओ ये थोड़ा टेढ़ा चला गया, यार दिस शेड। आप देख सकते हो सारे ही शेड अलग अलग हैं। ये देखो गाइस, अब मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। लॉन्ग लास्टिंग है अराउंड 4 to 5 hours, बट येस जो मैंने लास्ट लिपस्टिक शेयर करती थी उससे थोड़ी कम लॉन्ग लास्टिंग है, बिकॉज वो क्या होती थी खाने के बाद थोड़ी बहुत हल्की सी उतरती थी, बट ये उतर जाती है बीच में से, जो मतलब मेन हम यहाँ से खाते हैं तो यहाँ से उतर जाती है। वैसे ट्रांसफर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है, बट यार थोड़ा जब खाते हैं तो बस थोड़ा सा आपको दोबारा लगानी पड़ेगी, दैट्स नॉट अ बिग डील आई थिंक सो, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग वो वही बहुत है आजकल। बट यार वो थोड़ी सी खाने में तो उतरेगी, वो थोड़ी उतरती थी, ये थोड़ी उससे ज्यादा उतरती है। ये नहीं कि आपकी पूरी लिपस्टिक उतर जाएगी, गायब हो जाएगी, जैसे बुलेट लिपस्टिक्स हो जाती है, नो ऐसा नहीं होगा। और ड्राई ये मेरे लिप्स पे लास्ट वाली भी नहीं थी, ये वाली भी नहीं थी, बट कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वो ड्राई है, सो वो उसके उनके लिप्स पे ड्राई हो सकती है जिनके ड्राई लिप्स हैं। तो आप एक बार लिप बाम लगा लो अगर आपके लिप्स ड्राई हैं, बिकॉज अब तो विंटर्स का टाइम है, सो अब तो वैसे ही प्रॉब्लम होगी जिनको जिनके ऑलरेडी ड्राई लिप्स हैं। सो आप ऑलरेडी लिप बाम लगा लो एंड देन उसके बाद अप्लाई करो, बहुत ही स्मूद है, उससे ये वाली बहुत ज्यादा स्मूद है। और हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, तो आप दोनों में से देख सकते हो। ये उससे एक्सपेंसिव है, वो अराउंड आई थिंक 450 की थी, ये आई थिंक 599 की है, या ये शायद 599 की है, मैं अगर बाई चांस गलत बोल रही तो मैं एडिट करते हुए डाल दूंगी। और ये अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो स्मच प्रूफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये ध्यान रखना जब आप लिपस्टिक लगा लेते हो ऑन द स्पॉट ही ऐसे मत करने लग जाना, अभी तो नहीं उतर रही है, मैंने काफी ज्यादा फोर्स लगाया बट कुछ नहीं उतरा। या सो ऑन द स्पॉट मत लगा देना, क्योंकि इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ड्राई होने में टाइम लगेगा, देन यू कैन वेयर मास्क, आप ऐसे टच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो या गाइज दैट वॉज इट, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। लास्ट डे वाली डे ब्यूटी की लिपस्टिक से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला था, अच्छी लगी थी आप लोगों को, तो होप आपको ये भी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वील मीट सून विद अनदर वीडियो, बाय बाय।